दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास की पहली पोइम अ फोटोग्राफ को। आपके सिलेबस में जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड में लागू हुआ है दोस्तों, उसमें सबसे पहली पोइम का नाम है अ फोटोग्राफ। इससे पहले मैं अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पर एक वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, प्रोज के पहले चैप्टर पर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें। तो आज की पोइम इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है साथियों कि सच कहता हूँ इतनी भावनात्मक ये पोइम है पूरी कि आप जब इस पोइम की स्टोरी को सुनोगे, इस पोइम की कहानी को सुनोगे, इस पोइम के फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन को जानोगे तो आपके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगेगी। तो दोस्तों इस पहले पोएम का नाम क्या है एक बार फिर हमारे साथ रिपीट कर लो, अब फोटोग्राफ। एक बार फिर रिपीट कर दो, अब फोटोग्राफ। बार बार मेरे साथ बोलो अब फोटोग्राफ। पहली पोएम का नाम अब फोटोग्राफ किसने लिखा? शिर्ली टाउलसन ने। किसने लिखा? शिर्ली टाउलसन ने। यहाँ पर शिर्ली टाउलसन जो है फोटोग्राफ यानी कि जो चित्रण किया है इस पोएम में उन्होंने, एकदम जो डिपिक्शन किया है वो एकदम ऐसा लगता है जैसे लाइवली डिपिक्शन किया गया हो। तो दोस्तों आज की पोएम को हम डिस्कस करते हैं शिर्ली टाउलसन के बारे में। एक बहुत ही ग्रेट पोएटिस थी, ओके, बहुत ही जो है महान पोएटिस, कवित्री थी, जर्नलिस्ट भी थी और इनके फेवरेट टीचर और एडिटर भी थी। तो चलो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों अगर हम बात करें तो 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। किसका? शिर्ली टाउलसन का। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ से समझिएगा, एक एक लाइन को, लाइन बाय लाइन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और मैं फर्स्ट ईयर की हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से आपको रिकवर कराने वाला हूँ, बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूँ। बस चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें, और दोस्तों शेयर तो ज़रूर करें जिससे कि तुम्हारे साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 महामारी में, एक कोरोना महामारी में सबको बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज की बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली लाइन कहती है दी कार्डबोर्ड। क्या लिखा है? दी कार्डबोर्ड सोच मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पर आपको बताना है कार्डबोर्ड का मतलब होता है कोई फोटो, कोई गत्ता या थिक पीस ऑफ पेपर जिसको हम कहते हैं कार्डबोर्ड। सोच में मुझे दिखाया हाउ इट वाज, कितना प्यारा था, यानी कि मैंने इस फोटो से जान पाता हूँ, इस तस्वीर को, इस फोटो फ्रेम को जब मैं देखता हूँ उससे मुझे पता चलता है, मैं जान पाता हूँ कि उस समय कैसा प्रतीत होता था, ओके, उस समय हाउ इट वाज एक कैसा लगता था। जैसे पुरानी यादें नहीं होती हैं, हम फोटो को खींचते हैं, अपने खूबसूरत पलों को फोटो में खींच करके कैद कर लेते हैं और फिर वो खूबसूरत पलों को देख करके, उस फोटोग्राफ को देख करके, चाहे मोबाइल में हो या किसी में भी हो, अपनी अच्छी यादों को समेट करके बस यादों में खो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। कभी वो यादें गमगीन कर देती हैं, कभी वो यादें हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती हैं, कभी वो यादें जो है हमको मायूस कर देती हैं, हमको दुखी कर देती हैं। तो दोस्तों वो थी हमारी भावनाओं की बातें। तो सबसे पहले जैसे ही शिर्ली यहाँ पर हमको कहती हैं, कौन जो लेखिका हैं वो शिर्ली, वो हमको यहाँ पर बताती हैं दी कार्डबोर्ड सोच मी, जैसे ही वो कार्डबोर्ड, जैसे ही वो फोटोग्राफ मुझे दिखाया गया और वो फोटोग्राफ देखते ही हाउ इट वाज एक कैसा दिख रहा था, और कैसा दिख रहा था? भेन जब दी टू गर्ल कजिन्स, भेन मीन्स जब दी टू गर्ल्स दोनों बहनें, यानी कि टू गर्ल कजिन्स दोनों बहनें बेंट पैडलिंग। बेंट पैडलिंग का मतलब होता है कि पानी में छपछपाते हुए चलना। वाह क्या बारिश का मौसम होता है मज़ेदार। और तुमने देखा हो वो बचपन की यादें, वो कागज़ की कश्तियाँ बना करके, ओके, पानी की सड़कों पर गलियों में घूमना छपछपाते हुए, या वो बारिश के मौसम की पहली बारिश, छत पे चढ़ जाना और छप छप करते हुए पूरी छत पर दौड़ना। तो सेम टू सेम कुछ वैसा ही नज़ारा था यहाँ दोनों बहनों के साथ। मैं कहता हूँ आपको कि जब दोनों चचेरी बहनें मेरी माँ की एक एक बाहें पकड़े हुए, एक एक बाहें यानी कि माँ की, एक तरफ इस बाह को एक बहन ने पकड़ रखा तो दूसरी तरफ
दूसरी बहन ने माँ के हाथों को पकड़ रखा था और पानी में छपछपाते हुए गा रही थी। और वो क्या गाना गा रही थी? बारिश का मौसम था। ओके, अब किस तरीके का गाना था, लेकिन जो भी गा रही थी वो बहुत ही खूबसूरत और मेलोडियस था, सुरीला था दोस्तों। तो अब समझ आया क्या हमने बताया दोस्तों? पहली लाइन क्या थी? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, जैसे हमने उस फोटोग्राफ को देखा। ओके, तो उस फोटोग्राफ को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत लगा, ऐसा लगा कि मेरी दोनों चचेरी बहनें माँ की एक एक बाहें पकड़े हुए छपछपाती हुई कुछ गा रही थीं, छपछपाती हुई कुछ गा रही थीं, यानी कि ईच वन, ईच मीन्स प्रत्येक, वन होल्डिंग, ईच वन प्रत्येक होल्डिंग पकड़े हुए था वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के हाथों को। ओके, एंड सी वाज द बिग गर्ल, ओके, सम 12 ईयर्स एंड सो। तब उन्होंने क्या कहा कि एक एक वहाँ पकड़े हुए पानी में से छपछपाती हुई गा रही थी, तब माँ वह बड़ी लड़की थी, तब माँ वह बड़ी लड़की थी, लगभग 12 वर्ष की। लगभग कितने वर्ष की बेटा? 12 वर्ष की। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ आया? समझ आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। जब तक आप शेयर नहीं करोगे हमको मोटिवेट नहीं होते, हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है, हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, बेहतरीन तरीके से समझाने का कुछ रास्ता ही नज़र नहीं आता। आपके शेयर करने से और लाइक करने से और एक अच्छा कमेंट पढ़ लेने से मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ दोस्त साथियों। तो यहाँ पर प्लीज़ इतना हम आपके लिए अगर इतना करते हैं, ओके, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन अगर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो साथियों इतनी ड्यूटी आपकी भी बनती है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक ग्रुप्स में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तीसरी लाइन पोएम की चौथी लाइन क्या कहती है? ये चार लाइनें हमने आपके साथ डिस्कस की। कौन सी चार लाइनें साथियों? जरा रिपीट करते हैं कि द कार्डबोर्ड, एक बार हमारे साथ बोल दो, कार्डबोर्ड मीन्स क्या थी? तस्वीर, फोटोग्राफ, सोच में मुझे दिखाया गया, हाउ इट वाज, बहुत सुंदर था। बेन दी टू गर्ल्स कजिन्स, उसकी दो चचेरी बहने बैंड पैडलिंग, जो छपछपाती हुई चल रही थी, और ओके, ईच वन होल्डिंग पकड़े हुए थी वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ का हाथ, एंड सी इज दी बिग गर्ल, वो सबसे बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर, उसकी लगभग उम्र कितनी होगी? लगभग 12 वर्ष की। एक बार रिपीट फिर कर देता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, एक बार में ही पूरा का पूरा पोएम क्लियर हो जाना चाहिए। मैं इस फोटोग्राफ से जान पाता हूँ कि उस समय कैसा प्रतीत होता था जब दो चचेरी बहनें मेरी माँ की एक एक बाहों को पकड़े हुए पानी में छपछपाते हुए कुछ गा रही थी, तथा माँ बड़ी और वह जो है सबसे बड़ी लड़की थी, लगभग 12 वर्ष की, और वे तीनों स्थिर खड़ी हुई थी। क्योंकि कैमरे की फोटोग्राफ को देख रहे हैं ना, फोटोग्राफ में थोड़ा ना चलते हुए नजर आएंगे, बस हम लोग क्या कर लेंगे, उस खूबसूरत पल को इमेजिन कर लेंगे। ऑल थ्री, क्या लिखा है साथियों? यहाँ पर लिखा है ऑल थ्री स्टूड, खड़ी हुई थी स्टिल टू स्माइल, और वो मुस्कुरा रही थी थ्रो देयर हेयर्स। ओके, थ्रो देयर हेयर, थ्रो मीन्स में से, देयर मीन्स उनके, हेयर मीन्स बाल, और वो तीनों एक ही जगह पर स्थिर खड़ी हुई थी, कैमरा लिए खड़े चाचा जी की ओर देख रही थी। और जैसे हम नहीं करते हैं क्लिक जब कैमरे की ओर, कहते हैं भैया इधर देखो उधर देखो, शादी में कभी कैमरे वाले को देखना, वो तुमको एकदम ओके, हर तरह कभी इधर हटो कभी उधर उठो, यानी कि वैसे ही। एट द अंकल्स विद द कैमरा, और जो उनके अंकल थे जो कैमरा चला रहे थे उनकी ओर देखने को कह रही थी, अ स्वीट फेस। देखिएगा यहाँ पर कितना प्यारा तरीके से उन्होंने कहा कि स्थिर खड़ी हुई थी, कैमरा लिए खड़े चाचा जी की ओर देख कर, जो चाचा जी थे वो कैमरे से उन तीनों, दो बेटियां और माँ की फोटो निकाल रहे थे कैमरे से, उनकी ओर देखकर अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी, यानी कि उनके चेहरे पर उनके बाल आ रहे थे, और उन बालों में से जब उनका चेहरा दिखाई दे रहा था, उनके चेहरे पर जो बाल आ रहे थे उन बालों में से उनका जो फेस दिखाई दे रहा था वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा और ज़्यादा सुहावना लग रहा था। बस ऐसा लग रहा था जैसे कि चांद की चांदनी में
कुछ हल्के फुल्के जो हैं वो काले काले घने बादल आ गए हों। अब हम बात करेंगे यानी कि माँ का चेहरा उस समय बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। क्या कहा? अ स्वीट फेस। क्या लिखा है? अ स्वीट फेस। देखो सिरली ने लिखा क्या है, सिरली टॉल चैप्टर का नाम जो है अ फोटोग्राफ है, फिर रिपीट करता हूँ, पोइम का नाम फोटोग्राफ और इसको लिखा है सिरली टॉलसन ने। देखो पोइम नेम और उनकी जो पोएटिस नेम है वो जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एक्सप्लेनेशन आएगा और एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हमको रेफरेंस देना होता है, तो हाउ टू राइट अ करेक्ट रेफरेंस देन कॉन्टेक्स्ट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन, यू हैव टू राइट ओके एक्सप्लेनेशन गिवन द स्टेंजा इन योर टेक्स्ट बुक। अब देखिएगा यहाँ से हम बात करेंगे कि माई मदर अ स्वीट फेस, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत लुभावना, ओके खूबसूरत सा चेहरा माई मदर्स मेरी माँ का, डैट वाज जो था बिफोर आई बॉर्न, आई वाज बॉर्न मेरे जन्म लेने से पहले। तब उन्होंने कहा मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था उस समय जब अभी मेरा जन्म नहीं हुआ था, उस समय जब मेरा अभी भी जन्म नहीं हुआ था, यानी कि मेरे जन्म लेने से पहले जो मेरी माँ का चेहरा था, अट्रैक्टिवनेस थी उनके चेहरे की, चमक थी उनके चेहरे का, जो लालिमापन था ओके वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुहावना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। इसके बाद नेक्स्ट लाइन ओके एंड मिस और दी सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस ओके उस समय तथा समुद्र जो लगता था, दी सी समुद्र विच अपीयर्स जो दिखाई देता था, जो लगता था टू हैव चेंजलेस बहुत कम बदला है, यानी कि हम कह सकते हैं समुद्र जो लगता है बहुत कम बदला है उनके, यानी कि बास्ट दे आर टेरेवली ओके ट्रांसेंट फीट, टेरेवली, टेरेवली का मतलब लिख लो बेटा अत्यधिक, एक्सीडिंगली होता है, टेरेवली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ओके अत्यधिक, और ट्रांसेंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, अल्पकालिक, बहुत कम समय के लिए जीवित रहना ओके। तो जो टफ मीनिंग है उनको लिखते जाइएगा, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने कहा उस समय जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था ओके तथा समुद्र जो लगता था बहुत कम बदला है उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैर धो रहा था, यानी कि समुद्र की लहरें उनके पैरों तक आ रही थीं और वो लहरें, लहरों का पानी उनके पैरों को छू करके फिर से वापस हो रहा था। ज़रा इमेजिन करके देखो साथियों वो पल, वो खूबसूरत पल, वो खूबसूरत लम्हा जब आप किसी नदी के किनारे, किसी समुद्र के किनारे, किसी झरने के किनारे नंगे पैर होकर के ठंडी ठंडी रेत पर टहल रहे होते हो और समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरों का पानी आकर के आपके पैरों को स्पर्श करके छू करके जब वापस लौटता है तो कितना प्यारा और सुहावना लगता है उस वक्त। तो उस समय का फोटो, उस समय का फोटोग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को शैली बहुत खूबसूरत ढंग से इस पैराग्राफ में जो है डिस्कस करती हैं। तो साथियों अगला दूसरा पैराग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं, दूसरा पैराग्राफ सम 20-30 इयर्स लेटर। हमने क्या बताया, सम 20 या 30 इयर्स लेटर, देखिएगा यानी कि लगभग 20-30 वर्ष बाद, लगभग 20-30 वर्ष बाद वह फोटो को देख करके हंसती थी, यानी कि अब जब 20-30 बाद वो क्या करनी, सम 20-30 ईयर्स लेटर यानी कि 20-30 सालों के बाद सी लाफ्ड, वो हंसती थी एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मींस फोटो, स्नैपशॉट मींस उस फोटो को देख करके ओके सी बेटी, सी बेटी, बेटी मींस क्या होता है साथियों, बेटी मींस ओके मुस्कुराना, वो हंसती थी, खुश हो जाती थी, यानी कि लगभग 20-30 वर्ष बाद वह फोटो को देख करके मुस्कुराती थीं, हंसती थीं। एंड डॉली, एंड डॉली सी हैड सी से ओके से एंड लुक हाउ दे, क्या कहती थी ओके बेटी देखो डॉली, बेटी को देखो, बेटी को देखो, डॉली को देखो,
किसको? बेटी को देखो, डॉली को देखो। फिर उन्होंने कहा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कितने प्यारे ढंग से उन्होंने सी बेटी, बेटी देखो, बेटी को बेटी ही लिख दिया है। यहाँ पर देखिएगा अच्छे से उन्होंने बेटी को बेटी ही लिख दिया, सी बेटी, बेटी देखो, एंड डॉली, डॉली देखो। सी सैड, उन्होंने कहा, एंड लुक हाउ दे, उन्होंने क्या कहा, लुक हाउ दे, यानी कि देखो हम उन दिनों समुद्र के तट पर, आगे पढ़ो अच्छा आएगा, ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, बीच मीन्स होता है बेटा समुद्र का किनारा, बीच मीन्स होता है बेटा समुद्र का किनारा, द सी हॉलीडे, सी मीन्स समुद्र के तट पर जो हॉलीडे मनाने के लिए गए, छुट्टी मनाने के लिए गए थे, कैसे कपड़े पहना करते थे, ओके कैसे कपड़े पहना करते थे। उन्होंने कहा वाज हर पास्ट। अब इन दो लाइनों के अर्थ को अच्छे से समझिएगा साथियों। यहाँ पर उन्होंने कहा लगभग, पहले दो लाइनों का अर्थ बताएंगे, फिर इन दो लाइनों का अर्थ आपको बताएंगे कि लगभग 20-30 वर्ष बाद वह फोटो को देख करके हंसती थी और कहती थी, बेटी को देखो, डॉली को देखो, देखो हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़ा पहने करते थे, हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़ा पहना करते थे। बस शादी से पहले की, जब भी हम कभी भी आप इमेजिन करके देख लो, जब भी आप अपनी हॉलीडेज को मनाने के लिए जाते हो समुद्र के किनारे किसी बीच पर, वो पल कितने खूबसूरत होते हैं, वो पल कितने सुहावने होते हैं, बस देख कर ही मज़ा आ जाता है, सोच कर ही उस खूबसूरत दुनिया का आनंद ले लेते हैं। तो एंड डॉली सी सैड, ओके एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड, हाउ मीन्स कैसे, दे ड्रेस्ड, ड्रेस्ड मीन्स कपड़े पहनते थे, अस फॉर हमारे कपड़े कैसे हुआ करते थे जब हम बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे, दी सी हॉलीडे, बाज हर पास्ट माइन, उन्होंने क्या कहा, बाज हर पास्ट, देखिएगा यहां से समझिएगा, उन्होंने कहा बाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर। देखो उन्होंने क्या कहा, कितना अच्छे समुद्र के तट पर बिताई छुट्टी, जो उस जमाने में उस समय पर हम समुद्र के किनारे समुद्र के तट पर सी बीच पर जो है छुट्टियों को स्पेंड करते थे, छुट्टियों को व्यतीत करते थे, उनके अतीत की बात बन गई थी, बस अब यादों में रह गई थी, अतीत में पहुंच गई थी, अब बस यादें बन करके दिल को तड़पाई रही थी, ओके बस उन यादों को, उन पलों को, उन खूबसूरत पलों को याद करके अब क्या हो लेते थे, हम खुश हो लेते थे। बोथ डब्ल्यू आर वाई, ब्राई, ब्राई मीन्स होता है बेटा, इसे ब्राई नहीं पढ़ेंगे, रे पढ़ेंगे, ठीक है, खाली डब्ल्यू आर से पहले जब भी कहीं डब्ल्यू आ जाए, आर से पहले जब भी कभी डब्ल्यू हो साथियों, तो वो डब्ल्यू क्या हो जाता है, साइलेंट होता है। जैसे राइट लिखते हैं डब्ल्यू आर आई टी ई, तो देखो राइट पढ़ते हैं, डब्ल्यू को नहीं पढ़ा जाता है, कोई भी हो आर से पहले जब भी डब्ल्यू आएगा तो इसे रे पढ़ोगे, रे विद, रे का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे, रे का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, जिग जैग पोजिशन इज कॉल्ड, ओके रे। तो यहाँ से देखिएगा उन्होंने क्या कहा, बोथ रे विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, यानी कि उन्होंने कहा बा मेरे लिए उनकी हंसी अतीत की बात बन गई और इस क्षति पर, ओके हम दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, ओके प्रयास करते हैं, यानी कि उनके कहने का मतलब होता है कि ये जो पल अब वो खूबसूरत पल नहीं है, फिर भी हम दोनों मुश्किल से ही अब हमेशा से एक जैसे नॉर्मल यानी कि सामान्य दिखने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अब उस तरीके का खूबसूरत जीवन नहीं है। इसका अंतिम पैराग्राफ देखो साथियों, अंतिम पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, अंतिम पैराग्राफ कहता है नाउ, नाउ सीज, ओके सी वीन डेड नियरली एज मैनी ईयर। अब कितना प्यारा ढंग से ये लाइन बस दिल को छू कर के निकल जाती है, अब उस लड़की की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं, ओके नाउ मीन्स अब सीज बीन, ओके डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, यानी कि एज डैट गर्ल लिव्ड, एज
लाइट। ओके, तो उन्होंने देखो कितने अच्छे ढंग से हमको इस लाइन के बारे में बताया कि अब उस लड़के की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं जितने वर्ष वह जिंदा रही थी, जितने वर्ष वह जिंदा रही थी, यानी कि अगर वह 20 वर्ष जिंदा रही तो उसकी मृत्यु हुए भी, उसको मरे हुए भी, उसकी डेथ हुए भी 20 वर्ष हो चुके हैं साथियों। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। ओके, इट्स साइलेंस, साइलेंसेस। ओके, अब इस घटना के विषय में कुछ नहीं कह सकता, अब इस घटना के विषय में कुछ नहीं कह सकता, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है, बस यादें रह जाती हैं। ओके, जाने कितने सारे खूबसूरत पल होते हैं, यादें होती हैं, और वो यादें ही यादें रह जाती हैं। ओके, तो तुमने देखा होगा कि कितने अच्छे ढंग से। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही, आगे की नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत साथियों। ओके,